समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ समाजी माशी और सियासी आजादी ख्याल इजहार अकीदा व दीन और इबादत मसावात बएतबारे हैसियत और मौका और इन सब में उखुवत को तरक्की दे जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइंसाज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आईन जरिए हाजा इख्तियार करते हैं वजह करते हैं और अपने आप पर नाफिस करते हैं। इनकलाब 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 माशाल्लाह। जनवरी को संविधान बचाओ समिति अकोला की ओर से स्वराज भवन से लेकर फतेह चौक तक औरतों और मर्दों का एक अजीमुशान कैंडल मार्च रखा गया था। संविधान बचाओ समिति अकोला का आयोजन था कि NRC NPR और CAA के खिलाफ हुकूमत जिन कवानीन को नाफिस करने की बात कर रही है और जिसके बारे में मोदी ये कह रहे हैं शाह ये कह रहे हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हमने ये अपनी जद्दोजहद अपने आंदोलन अपने एहतजाज और मुजाहरे जारी रखकर शाह को ये बताने की कोशिश की है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है एक अवामी जमहूरिया है ये हिटलर शाही नहीं है। हमारी ख़वातीन ने हमारे मर्दों ने सभी ने कहा कि मोदी और शाह तुम्हारी हिटलर शाही नहीं चलेगी, तुम लोगों को जमहूरियत की ज़बान अभी नहीं आती है। कैंडल मार्च के ज़रिए हमने पूरी भारत के जनता की तरफ से इस हिटलर शाही हुकूमत को ये संदेश दिया है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें आवाम की आवाज़ ही सबसे ऊपर होती है, लिहाजा NRC को रद्द करने का ऐलान किया जाए, CAA को वापस लिया जाए और मौजूदा NPR को ख़त्म कर दिया जाए। ये आज शाम में 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत भारी संख्या में मर्द औरतें और सभी धर्म और जाति के लोगों ने उपस्थित रहकर इस कानून का विरोध दर्शाया है। कल जो 29 तारीख को जो भारत बंद है उसके माध्यम से आप क्या कहेंगे? भारत बंद को सभी संगठनों ने सभी जमातों ने सभी धार्मिक गुरुओं ने उलमाए कराम ने हिमायत की है उसकी ताईद की है, लिहाजा सारा भारत कल बंद रहने वाला है। आप खुद देख लेंगे कि पूरा भारत इस काले कानून के खिलाफ स्वयं फूर्ति से खुद होकर अपने आप को बंद रखेगा और कल सारा भारत एकजुटता का मुजाहरा करेगा।